नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों से संबंधित। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2024 के लिए। टोटल पदों की संख्या 2424 है। संपूर्ण जानकारी पदों के बारे में आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन का एक लिंक दिया गया है। इस पर जाकर आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर पहुँच सकते हैं। अप्लाई का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप देखेंगे, हमने डाउनलोड किया हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 से लेकर 67 2024 के लिए जारी किए गए हैं विभिन्न सब्जेक्टों के लिए, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट 2 अगस्त को जारी किए गए हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं एलिजिबल महिला और पुरुष दोनों से। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के अंतर्गत विभिन्न सब्जेक्टों में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंतर्गत। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है ऑनलाइन मोड में। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी जाएगी, उसके बाद आपको लॉगिन करना है और डिटेल्ड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको पहचान, परिवार पहचान पत्र, PPP, आधार नंबर या वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के बाद फीस सबमिशन के बाद में फाइनल सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद में, फीस सबमिट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है, उसको साइन कर देना है। साइन करने के बाद में, चेक करने के बाद में उसको वेबसाइट पर आपको अपलोड करना होगा दिए गए एड्रेस पर। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 7 अगस्त से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 अगस्त 2024 तक। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत विभिन्न सब्जेक्टों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के बारे में। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पर आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। यहाँ हम सब्जेक्ट वाइज केवल टोटल पदों की संख्या बता रहे हैं। बॉटनी में है टोटल पद 98, केमिस्ट्री में है 123, कॉमर्स में 153 है, कंप्यूटर साइंस में 47 हैं, डिफेंस स्टडीज में 23 पद हैं, इकोनॉमिक्स में 43 पद हैं, इंग्लिश में 613 पद हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 7 पद हैं, फाइन आर्ट में 7 पद हैं, जियोग्राफी में 316 पद हैं, हिंदी में 139, हिस्ट्री में है 123 पद, होम साइंस में 28 पद हैं, मास कम्युनिकेशन में 8 पद हैं, मैथमेटिक्स में 163 पद हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 8 पद हैं, म्यूजिक वोकल में 6 पद हैं, फिलॉसफी में हैं 3 पद, फिजिकल एजुकेशन में 126 हैं, फिजिक्स में हैं 96 पद, पॉलिटिकल साइंस में 81 हैं, साइकोलॉजी में हैं 85, पंजाबी में हैं 24, संस्कृत के हैं 12 पद, टूरिज्म में हैं 1 पद और जूलॉजी के हैं 91 पद। टोटल पदों की संख्या है 2424, जिनमें जर्नल के 1273 पद हैं, SC के सभी सब्जेक्टों में 429 हैं, BCA के 361 हैं, BCB के 137 हैं और EWS के 224 पद रखे गए हैं। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए, जैसे फाइन आर्ट, अन्य सभी सब्जेक्ट फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन के अलावा आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को संस्कृत या हिंदी की मैट्रिक लेवल पर या हायर
एजुकेशन लेवल पर आवेदक ने हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट पास किया होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नेट का एग्ज़ाम आवेदक ने यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, पास होना चाहिए, या सीएसआईआर यूजीसी के द्वारा स्लेट और सेट का एग्ज़ाम आवेदक ने क्लियर किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2016 से पहले एमफिल या पीएचडी की डिग्री की है, उनको नेट, स्लेट और सेट में की बाध्यता नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट के अंतर्गत 55% मार्क्स के साथ आवेदक ने मास्टर डिग्री हासिल की हो फाइन आर्ट में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक को नॉलेज होनी चाहिए हिंदी संस्कृत का, या हिंदी संस्कृत मैट्रिक या 12th लेवल पर आवेदक ने पास की होनी चाहिए। नेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए या सेट स्लेट का एग्ज़ाम यहाँ पर आवेदक ने पास किया होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन के लिए मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी की डिग्री पास की हुई है, उन्हें अधिकतम मार्क्स में मास्टर डिग्री पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि हरियाणा राज्य के डोमिसाइल्ड हैं, एससी एसटी, बीसीए, बीसीबी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को अधिकतम मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी। साथ ही ऐसे कैंडिडेट को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री रूरल एरियाज हरियाणा के कॉलेजों से प्राप्त की है। एकेडमिक लेवल जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 57,700 से 182,400 रुपये वेतन जो क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, उसमें सिलेक्शन पूरा किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अन्य कंडीशंस हैं उसमें आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान या तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। यहाँ एज लिमिट जो रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए, कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 5 साल का, डिसेबल्ड पर्सन्स को 5 साल तक का छूट होगी, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स हु आर डिसेबल्ड वाइल द मिलिट्री सर्विस 5 साल तक का, डाइवोर्स इलीगल डाइवोर्स वुमेंस को 5 साल तक, जुडिशली सेपरेट वुमेंस को 5 साल तक का मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दी जाएगी। अनमैरिड वुमेंस को भी 5 साल तक की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है केवल हरियाणा के रहने वाले डोमिसाइल्ड एससी एसटी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, आवेदन शुल्क आपको कितना पेमेंट करना है। तो केवल ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से 27 अगस्त 2024 तक अपनी एप्लीकेशन फीस को आप पेमेंट कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, जिसमें डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हरियाणा और मेल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 1,000 रुपये फीस रखी गई है, जबकि ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट फीमेल डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन हरियाणा, फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल अदर स्टेट ऑल कैटेगरी 250 रुपये, जबकि फीमेल मेल कैंडिडेट एस सी एस टी बी सी ए बी सी बी यहाँ पर ई एस एम कैटेगरी हरियाणा को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन मोड में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस एक बार पेमेंट करने पर वो नॉन रिफंडेबल होगी। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे अपना फोटो, सिग्नेचर रनिंग हैंड में, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एजुकेशनल रिलेटेड सर्टिफिकेट मार्कशीट, स्कैंड कॉपी JRF नेट स्लेट, स्कैंड कॉपी ऑल रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, स्कैंड कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी कैंडिडेचर को
फिक्स करते हैं वो आपको अपलोड करने होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो दोस्तों, अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। अप्लाई करने के लिए आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया गया है, तो यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट स्टेप पर जाना है आपको। नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर चले जाना है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। उसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ हरियाणा परिवार पहचान पत्र PPP आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आप तीन तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर चले जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ आप देखेंगे आ चुका है, यस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप हरियाणा के बोना फाइड रेजिडेंट हैं तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर। यस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फाइल सेलेक्ट कर लेने के बाद में उसको अपलोड कर देना है। अब नीचे ऑप्शन आ रहे हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन के, हरियाणा परिवार पहचान पत्र है आपके पास या फिर आधार कार्ड है या मोबाइल नंबर, इनमें से किसी ऑप्शन का एक इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन केवल दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ मोबाइल यूजर नेम आपको देना होगा, यानी मोबाइल नंबर आपको देना है, उसे दोबारा टाइप कर देना है, कैंडिडेट्स का नाम टाइप कर देना है और हैव यू चेंज योर नेम, कभी आपने नाम चेंज कराया या नो में जानकारी दे देनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी से आप जनरल अनरिजर्व हैं तो यहाँ पर जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी दिखाई देगी क्योंकि आपने अदर स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे वो सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ से चला जाता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दे देनी है, कैलेंडर से इस्तेमाल करके ईमेल आईडी दे देनी है, कैप्चा को डाल देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों से संबंधित हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, तो 2424 पद हैं। आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी मास्टर डिग्री आपने जिस सब्जेक्ट में की है उस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परसेंटेज क्राइटेरिया नेट स्लेट और सेट एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है या आपने PhD की डिग्री हासिल की है तो संबंधित सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।